नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। पिछले कुछ दिनों से सोनिया गांधी की बताकर ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ये तस्वीर शेयर करते हुए सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने इस कथित तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए इसके बारे में छानबीन शुरू की। तस्वीर को गौर से देखने पर हमें ये वॉटरमार्क मिला। इसे ध्यान में रखते हुए सर्च करने पर हमें रीमेकर नाम की ये वेबसाइट मिली, जो कि AI क्रिएटिव कंटेंट जनरेटर साइट है। इस वेबसाइट की मदद से लोग तस्वीर या फिर वीडियो में दिखने वाले चेहरे की अदला बदली कर सकते हैं, यानी किसी तस्वीर में दिखने वाले चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे में बदल देना। हमने वायरल तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च भी किया और हमें ये तस्वीर फरवरी 2013 में शेयर की हुई मिली। लेकिन वायरल तस्वीर से अलग इस तस्वीर में सोनिया गांधी का चेहरा नहीं है, बल्कि एक अन्य औरत का चेहरा है। कैप्शन में इस तस्वीर का श्रेय फरजाद सरफराजी नामक फोटोग्राफर को दिया गया है और इसे साल 2012 में क्लिक किया गया था। इस तस्वीर में फोटोग्राफर का कॉपीराइट मार्क भी है, यानी वायरल तस्वीर में दिखने वाली महिला कोई और है, न कि सोनिया गांधी। और पहले भी कई बार सोनिया गांधी की बताते हुए तरह तरह की तस्वीरें शेयर की गई है और भ्रामक दावे किए गए हैं। जैसे कि साल 2018 में ये कुछ तस्वीरें सोनिया गांधी की बताते हुए शेयर की गई थी। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि ये तस्वीरें स्विस अभिनेत्री उर्सुला एंड्रेस की है। ये तस्वीरें जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म डॉक्टर नो के सेट की है। वहीं मैरिलिन मोनरो की ये तस्वीर भी सोनिया गांधी की बताते हुए शेयर की गई थी। ऐसे ही ये तस्वीर भी साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले खूब शेयर की गई थी और सोनिया गांधी के कैरेक्टर को लेकर कमेंट्स किए गए थे। हालांकि हमारी जांच में सामने आया था कि वायरल तस्वीर एडिटेड है। ये इमेज साल 2005 की है, जब मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल मयूम भारत यात्रा पर थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बताते हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई थी और ये दावा किया गया था कि उन्होंने सोनिया गांधी के पैर छुए। जबकि आसान सा रिवर्स इमेज सर्च करने पर पता चलता है कि ये तस्वीर साल 2011 की है और सोनिया गांधी के पैर छूने वाला व्यक्ति कांग्रेस का ही एक प्रतिनिधि था। वहीं ये कुछ तस्वीरें भी सोनिया गांधी पर भद्दे कमेंट्स करते हुए काफी शेयर की गई थी। हालांकि ये तस्वीरें भी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की है। साल 2021 में ये तस्वीर शेयर कर कहा गया था कि सोनिया गांधी के पीछे किताबों की अलमारी में होली बाइबल और हाउ टू कन्वर्ट इंडिया इनटू क्रिश्चियन नेशन जैसी किताबें रखी हुई है। ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश करते हुए पाया कि ये एक एडिटेड तस्वीर है और मूल तस्वीर में अलमारी में न ही ऐसी कोई किताब है और न ही यीशु मसीह की कोई मूर्ति है। देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से तस्वीर को एडिट कर या फिर AI के इस्तेमाल से चेहरे की अदल बदल कर विपक्ष की महिला नेता को निशाना बनाया जाता है। और क्योंकि सोनिया गांधी इटली से भारत आई है, इसलिए उनके धर्म के साथ साथ उनके किरदार को लेकर भी भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी के सम्मान को हमेशा से आगे रखा गया है, चाहे फिर वो सत्ताधारी पक्ष से हो या फिर विपक्ष से। किसी भी पक्ष से जुड़ी हुई महिला नेता की गरिमा को इस तरीके से नजरअंदाज कर उन्हें झूठे रूप से निशाना बनाया जाना एक विकृत मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम है।